मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। उमरा पुलिस स्टेशन के सामने A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के बेचने को लेकर मामला सामने आया है और वो मामला उमरा पुलिस स्टेशन जा पहुँचा। अर्जुन चौरसिया, जिन्होंने दुकान बेची है, उसके बेटा और बहू इसका विरोध कर रहे हैं इस दुकान बेचने को लेकर, जिसको लेकर वो 3 दिनों से दुकान के अंदर ताला मार के अपने परिवार के साथ बैठे हैं। इस मामले को लेकर हमने परिवार के लोगों से भी बात की, उनके बेटे अशोक चौरसिया और उनकी बहू से भी हमने बात की, और वही इस मामले में स्थानीय नगर सेवक राजन किनी ने भी क्या किया वो भी आपको सुनाते हैं। वही हमने दुकान के मालिक अर्जुन चौरसिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। आइए इस तरह ये पूरा मामला आपको सुनाते हैं कि इस दुकान बेचने को लेकर क्या मामला है, किस तरीके का उनका विरोध किया जा रहा है उनके परिवार का। वहीं पे इस मामले में मुकामी नगर सेवक राजन किनी भी पहुँचे, उन्होंने भी परिवार वालों से मुलाकात की और उमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज से भी मुलाकात की इस मामले को लेकर। आइए हम वो भी आपको सुनाते हैं। सर, मेरा नाम नीलम अशोक चौरसिया है और इनका नाम सुनीता मनु चौरसिया है। क्या मामला है ये दुकान को लेकर? जी, हमारे ससुर पागल हो गए, वो एक गलत औरत के चक्कर में आके सारी प्रॉपर्टी बेचते जा रहे हैं। इतना भी गांव का, इतना खेती बाड़ी, घर द्वार सब बेचते जा रहे हैं। ये गाला भी इसके इसके नाम पे है, वो बोल रहे हैं पहले इसके नाम पे लिख के दिया और बाद में मुकर मेरे पापा ऑफ हो गए ना, तो फिर अभी वो दूसरे के नाम पे वो करके दे रहे हैं 21 लाख में बोलते हैं। क्या नाम है आपके ससुर का? अर्जुन इष्टदेव चौरसिया उनका पूरा नाम है, और वो ये अभी ये गाला भी बेचने के तैयारी में है। वो हमारा नीचे अच्छा भी बेचे नहीं, भेज दिए गुंडे लोग से, हमको धमकी दे रहे हैं, धमकी आ रही है और 3-4 दिन से कि मतलब तुम लोग वो कर दो, गाला खाली कर दो, सब रोड पे ला दूंगा, रोड पे ला देंगे। हमारे पति, मेरे पति अपाहिज है, मेरा भी आदमी बेवड़ा है, मतलब कहीं से भी कुछ नहीं है, दूसरा टांग तोड़ देंगे ऐसा बोल रहे हैं, और हम लोग को यही गाले का सहारा है। हम लोग को यही गाले का सहारा, ये बेचारी की दो छोटे छोटे बच्चे, इसका अभी ऑपरेशन हुआ है, 15 दिन भी नहीं हो रहा है, इसका अभी सीजर हुआ है, 10 दिन की बच्ची है इसकी, और ऐसी हालत में हमको ना आराम मिला ना खाने से, हम लोग जेल जैसा रह रहे हैं। कितने दिन से ये दुकान में आप? 3 दिन से, आज 3रा दिन है हम लोग का। हम लोग यही खौफ में है कि वो दूसरे को घुसा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। ये बेचारी यही दो बच्चों को लेके यहाँ पे हम लोग दे रही है, ये बेच देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा इनका पति बेवड़ा है, हमारा पति अपाहिज है, मेरे दो बच्चे, इनके दो बेटियाँ हैं, मेरे उनके 3 लड़के 1 बेटी है, और हमारा केस वगैरह पहले से चालू है, 10 साल से हम लोग ये दुकान को लेके, मेरी कोर्ट में मैटर है, और सास भी मेरी ऑफ हो गई इसके चक्कर में, मेरे बड़े जेठ थे वो भी ऑफ हो गए, हम लोग का काफी वो लोग वो हो गए, तो और हम लोग वो पैसा खिला के सबको, पुलिस स्टेशन इधर उधर गुंडे लोग को खिला के बार बार हमको टॉर्चर करता है, और भी फोन कर अभी नहीं, अभी तो मुझे नहीं, वो अपना पेपर शो नहीं कर रहे जिसको बेचे, हमारा पेपर मांग रहे हैं, अपना पेपर शो नहीं कर रहे कि हमने किसको बेचा, कितने में बेचा, और हम हमसे पेपर मांग रहे हैं, तो हम हमारा कोर्ट मैटर चालू है, हम कोर्ट में पेपर दिखाएंगे, इनको क्यों दिखाएं? पुलिस हमको आके बोलती है हमको पेपर दो, हम उनको देंगे, वो हमसे पेपर ले लेंगे, वापस ही दिए बोलते हैं, दूसरे लोग आए हाँ, जो कल पेपर दिखाए हम लोग का कोर्ट मैटर, वो ले लिए, दिए नहीं, और इनके पति को एक अंदर साहब है पुलिस स्टेशन में, ये गई थी, देखेंगी तो पहचान जाएंगी, इनको बुलाए थे, इनके नाम पे है, और इनके पति को शाम तलक बैठा के रखा था अंदर जबरदस्ती, हाँ, और मेरे पति अपाहिज होकर इधर उधर उड़े, उनकी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही, उनको भगा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम अशोक चौरसिया है, वो गए थे पुलिस स्टेशन में, पेपर दिखा रहे कि इतना इतना प्रॉपर्टी बेच दिया है सर, हमारे को ऑपरेट कीजिए, हमारा ससुर ऐसा, मतलब हमारे पिताजी ऐसे हो गए, सब बेच रहे, फिर भी वो नहीं सुन रहे, ध्यान नहीं दे रहे, बोलते हैं जिसके नाम पर हम वो करेंगे, ऐसे हमारा भी तो सुनना चाहिए, हम वो शादी करके लाए थे, दहेज लेके हमसे शादी किए हैं अपने बेटों की, और हमको तब नहीं बताए थे तुम्हारे बेटे ऐसे हैं, आज उनकी हम अपने बच्चों को कहाँ जाएं, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, ये भी चला जाएगा, हम क्या खाएंगे जिएंगे, पति ऐसे है कमाने लायक नहीं, तो कम से कम ये गाले के सारे किराया भाड़ा या खुद चला के हम लोग जैसे भी जीविका चला रहे, अब वो भी छिन जाएगा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमें जान ही देनी पड़ेगी बस। क्या चाहते क्या है अभी सर? हमें चाहते कि यहाँ के जो भी
पुलिस विधायक कमिश्नर है, विधायक है, हमारा कोर्ट मैटर चालू है, कोर्ट से यू करने दीजिए। आप मत परेशान के गुंडे और उसी के बीच में जो मैटर है वो किसके किसके बीच में है? वो हमारे ससुर के बीच में है। आज 2016 में उन्होंने हमको फिर यही ससुर ने पूरी फैमिली हमारी मेरी सास और तीनों बेटों को बंद करवाया था। हमने सब जामीन दे के सब छूटे हैं और इस दुकान का 2016 से मैटर चालू है और प्रताप हम लोग के हाथ में है, पर फिर भी वो वापस से आके वही चीज़ दोबारा कर रहा है। अभी तक जान बैठा था सर, इतना प्रॉब्लम है। आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए और हमारी बच्चों का मुँह देख के हमें रोड पर आने से बेघर होने से करिए प्लीज़। अब मुमरा पुलिस स्टेशन सीनियर विधायक साहब सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, ये बिचारी का ऑपरेशन हुआ इस पे तरह से आई है, ना इसको खाने को मिल रहा है ना बैठा है, बच्ची इसको दूध नहीं होगा तो ये बच्ची मर जाएगी, 10 दिन की बच्ची पिएगी खाएगी नहीं तो, इसको भी पी लिया हुआ है, ये एडमिट थी अभी छूट के आई है, इसको ना धूप दिखाने मिल रहा है ना डॉक्टर ने इसको बोला है सुबह की धूप दिखाने, हम अंदर जेल में कैदियों जैसा रह रहे हैं तो डर के मारे कि कब कौन आके हमको निकाल दे धक्का मार के। क्या मामला है जी सर? हमारे घर का सिविल मैटर चल रहा है, पिताजी कुछ गलत संगत से गलत लोगों के साथ में रह के कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमारी जितना भी उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी बेची, अभी जो बहू के नाम पे एक प्रॉपर्टी थी उसको अभी ये दोबारा बेच रहे हैं और हमारा सिविल मैटर चल रहा है और पुलिस हमें बार बार आके बोले तुमको साफ बुलाए, ये बुलाए, वो बुलाए, आज 6 दिन से हम लोग का रहना जीना दुश्वार से सारा दुश्वार कर दिए, सारा परिवार मेरा वहाँ पड़ा हुआ है। अब मेरी छोटे वाले भाई की औरत जो अभी 12 दिन की डिलीवरी हुई है उसकी, उसका सीजर ऑपरेशन हुआ है, उसको भी परेशान करके रखे, हम लोग का दुकान में तावा बना के रखना पड़ जा, हम लोग एकदम इतना अंधा कानून हम लोग कहीं नहीं देखे जितना मुमरा में चल रहा है। और मेरी सबसे मांग है ये, मैं कल भी मांग किया था प्रसार माध्यम के सामने से कि विधायक साहब, यहाँ के सीनियर साहब, थाना कमिश्नर साहब, कि हम लोग के ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारी बात को बैठ के समझा जाए। अभी ये दुकान किसके नाम से थी? अभी ये दुकान छोटी वाली बहू के नाम से थी, पहले उनके नाम पर ये मेरे पिताजी किए थे, अब ये हमारा सिविल मैटर चल रहा है, अब ये आगे कहीं से दादा वालों को लेके आके बेच रहे, ये सब कर रहे, कोई सौदा होता है सौदा का तरीका होता है, ऐसा कोई डायरेक्ट कोई आके डायरेक्ट बोलेगा कि खाली कागजात किसके पास है जो कोर्ट में मामला चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है अभी, कागजात हैं आपके? कोर्ट का पेपर मेरे पास है, केविड का पेपर है, हमारा मैटर चल रहा है, सब पेपर है, उसके बाद कैसे डिस्प्यूट प्रॉपर्टी उस पर कैसे डायरेक्ट कोई सौदा कर लिया? केविड है हमारे पास, सारा पेपर है हमारे पास, 2016-547 केस नंबर है। दादा क्या मामला है? क्या मामला था सर? क्या है उनका आपसी मामला है और उसमें अभी पुलिस को इन्वॉल्व किए है, मैंने सीनियर साहब को वही विनती किया कि क्या मामला है ना उनका, इतने साल से कोर्ट मैटर चल रहा है और उनको सिविल मैटर में बोल के कोर्ट में भेज दो, कोर्ट में देख लेंगे क्या करने का। एक परिवार पूरा दुकान के अंदर बैठा हुआ है और बताया जा रहा है, परिवार का कहना है कि उनके ससुर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, किसी महिला के चक्कर में है क्या है, और उन्होंने रूम ये दुकान किसी को बेच दिया है। ये सब बातों को अपने को ये नहीं करने का, वो क्या है उनका आपस में बैठ के अगर उन लोग कर देते क्या बाप बेटे का क्या है प्रॉपर्टी का, दुकान से उनका खर्चा चलता था और ससुर जो है वही दुकान बेच दे रहे हैं। अभी आप गए थे मिले, क्या डिसीजन क्या हुआ? पुलिस से भी आपने मुलाकात? पुलिस ने कहा है बाप बेटा को बिठा के क्या है उनका सेटलमेंट करने के लिए कोशिश करो, क्या है देखते। जब हमने इस मामले को लेकर अर्जुन चौरसिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने स्पाई कैमरे से उनसे बात की है, वो भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर दुकान बेचने को लेकर क्या कहा। वो अच्छा, वो घर किसके नाम पे था? कौन सा ये घर? ये दुकान मेरे नाम पे। वो लोग आपके बहू हैं वो बोले कि हमारे नाम पे। क्या किया है इसने? क्या किया है? अर्जुन बन के अच्छा? मैं बन के और अपनी बीबी के नाम पे सेल कर दिए, ऐसा एग्रीमेंट बना है, वो एग्रीमेंट का काफी उधर मिला है। वो लोग तो ऐसा बोल रहे कि तुम किसी औरत के चक्कर में पड़ के सब बेच रहे हो, गंवा रहे हो। इस उम्र में कौन सा औरत के चक्कर पड़ेगा, उम्र हर दिन की उम्र होता है, 67 चल रहा है, 67 में कौन सा चक्कर करेगा तो ऊपर वाला को मालूम है। अच्छा फिलहाल ये दुकान तो आपके नाम से थी ना? केवल है ना दुकान। कितने में सौदा किए? 25 लाख। टैक्स इनके नाम पे, लाइट बिल के नाम पे, सब का। तो बच्चों को भी कुछ दिए होंगे ना? बच्चों को भी कुछ दिए होंगे ना? कहीं अब ये बताओ, प्रेम से लेंगे कि मार के लेंगे? आप बताओ, किसी से लेना है? प्रेम से लेंगे। कैसा बोले आप, आपकी औलाद है तो आपको देने? प्रेम से लेंगे कि मार के लेंगे? एक घर एक दुकान दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। दूसरे जगह पे दिए आपने? कब्जा करके बैठा कलवाम पे ही, वो वाला कम से 1 करोड़ डाला, 1 करोड़ का
तो आपके जो बहू लोग हैं उन लोग का कहना है कि इसी से हम लोग का खर्चा चलता था, इसी से, और यही ससुर हमारे बेच रहे हैं। इसी से चलता था, इसी से सब में बनाया। आपको ना आपके भाई जो है ना, उनको पूछो मेरे बारे में, इसी से 40 साल में दुकान चलाया, आज तक मेरे नाम पे किसी भी नहीं कराया। खाली इनके लिए जो कंपनी वो मिले हुआ वो आप अभी पेपर किसके नाम से था उसका दुकान का ओरिजिनल पेपर? मेरे नाम पे। कुछ कोर्ट वोट में था क्या मामला इसका? कुछ नहीं। उनके पास क्या कोर्ट में जाए, कुछ ही नहीं उनके पास। देख मेरे नाम पे, लाइट मेरे नाम। अभी ये बीच में दो तीन महीने पहले वही ये सेल एग्रीमेंट बनाया, मनोज छोटा लड़का मनोज है, उसके ऑर्डर का नाम सुन रहा मैं अर्जुन, मतलब मेरा नाम डाल के मैं बन के मनोज अपने नाम औरत के नाम सेल कर दिया, उसी में मीटर लगवा लिया। एक मीटर मेरे नाम पे, एक मीटर उधर वाली जो कलवा की दुकान है वो कौन चला रहा है? ये लंगड़ा जो है वही चला रहा है। एक भाड़े दिया है, एक खुद चला रहा है, क्योंकि यार भाड़ा ले रहा है एक।